नमस्कार, सिल्क टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सत्यम। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। काली पूजा समिति के महामंत्री धूरी यादव हत्याकांड का शार्प शूटर गिरफ्तार। एसएसपी आशीष भारती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। समारोह पूर्वक रेंज डीआईजी विकास वैभव को दी गई विदाई। बधाई देने वालों का लगा तांता। बटेश्वर स्थान में की बाबा भोलेनाथ की पूजा। जल जीवन हरियाली को लेकर डीआरडीए सभागार में हुई बैठक। डीएम ने सभी विभाग के अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। प्रभारी कुलपति की अध्यक्षता में सिंडिकेट की हुई बैठक। सप्तम वेतनमान समेत कई बिंदुओं पर हुई चर्चा। और पुलिस जिला नवगछिया में पेट्रोल पंप के समीप ट्रक में लगी भीषण आग। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय काली पूजा समिति के महामंत्री चिरंजीवी यादव उर्फ धूरी यादव हत्याकांड का शार्प शूटर सूरज तांती को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। शनिवार को एसएसपी आशीष भारती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि धूरी यादव हत्याकांड में शामिल सभी अपराधियों को पूर्व में गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। साथ ही उन्होंने कहा कि हत्याकांड को अंजाम देने वाले शार्प शूटर को एसआईटी की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। एसएसपी ने कहा कि पकड़े गए अपराधी पर शहर के विभिन्न थानों में दर्जनों आपराधिक मामले दर्ज हैं। नवंबर 2019 को चिरंजीवी यादव और धूरी यादव की गोली मार करके शाम को हत्या कर दी गई थी, जिस मामले में पुलिस के द्वारा काफ़ी गंभीरता से कार्रवाई करते हुए एक विशेष टीम को लगाया गया था, जो कि मामले का उद्भेदन तथा इस मामले में जो शामिल अपराधी गिरफ्तारी कर सके। तो इस मामले में पूर्व में भी कई साजिशकर्ता और शूटर की गिरफ्तारी की गई, परंतु एक अन्य जो शूटर है वो अभी फरार चल रहा था, तो उसके गिरफ्तारी के लिए विशेष टीम लगातार प्रयासरत थी और प्रयासरत रहते हुए उसकी गिरफ्तारी की गई है, जिसका नाम है सूरज तांती, जो कि बराड़ी का रहने वाला है। इसके द्वारा वर्ष 2019 में ही 4 कांड इस पर दर्ज किए गए हैं, जिसमें 2 हत्या के कांड हैं, 1 आर्म्स एक्ट का कांड है तथा 1 रंगदारी का कांड है। तो इस प्रकार से यह भागलपुर पुलिस के द्वारा एक बड़ी उपलब्धि है, जिसमें एक जो कई समय से पूरे शहर में विभिन्न आपराधिक घटनाओं में शामिल रहा है उसकी गिरफ्तारी की गई है। और इस घटना में इसको अपराधी को पकड़ने के लिए जो लोग शामिल थे, जिसमें मुख्य रूप से एसएचओ बराड़ी और एसएचओ तिलका मांझी, उनको पुरस्कृत भी किया गया। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के पीजी स्नातकोत्तर प्राचीन भारतीय इतिहास संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग में विदाई समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में निवर्तमान रेंज डीआईजी विकास वैभव को भावभीनी विदाई दी गई। इसके पूर्व कार्यक्रम का शुभारंभ तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के प्रभारी कुलपति प्रोफेसर अवध किशोर राय, रेंज डीआईजी विकास वैभव, क्षेत्रीय अध्ययन केंद्र के निदेशक प्रोफेसर राघवेंद्र कुमार सिंह और विभागाध्यक्ष प्रोफेसर बिहारी लाल चौधरी ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इसके बाद विभाग की छात्र छात्राओं ने कुलगीत और स्वागत गान की शानदार प्रस्तुति दी। वहीं आगत अतिथियों का स्वागत विभाग के शिक्षकों ने अंगवस्त्र, बुके और अन्य उपहार भेंट कर किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता एवं संचालन विभाग अध्यक्ष प्रोफेसर बीएल चौधरी ने की। विदाई समारोह के दौरान कुलपति प्रोफेसर अवध किशोर राय ने डीआईजी विकास वैभव के कार्यों की जमकर प्रशंसा की, साथ ही एटीएस का डीआईजी बनाए जाने पर बधाई दी। कुलपति ने कहा कि आईपीएस अधिकारी विकास वैभव जहां भी रहे अपनी अलग छवि और छाप छोड़ गए। वहीं रेंज डीआईजी ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के द्वारा अपनी जीवित वृत्त का विवरण देते हुए कई संदेश दिया और छात्रों को रुचि के अनुसार कार्य करने की बात कही। डीआईजी विकास वैभव ने बगहा, पूर्णिया, पटना, बोधगया, दरभंगा, झारखंड और अन्य स्थानों पर इतिहास के जरिए अपराध नियंत्रण करने की कला का जिक्र किया और बताया कि इतिहास के सहारे कैसे बगहा के 26 डकैतों को सिलेंडर कराया। डीआईजी ने बताया कि रोहतास में 1200 राउंड गोली चलने के बाद सोन महोत्सव अभियान चलाकर अपराध पर कंट्रोल किया। वहीं डीआईजी ने कहा कि निर्दोष व्यक्ति के जेल जाने से समाज में अपराध की घटना बढ़ जाती है और पुलिस से लोगों का विश्वास टूट जाता है। डीआईजी ने बताया कि संघर्ष के बाद ही परिवर्तन आता है। मौके पर डॉक्टर नमन सिन्हा, डॉक्टर डीएन राय, शिवशंकर सिंह परिजात, डॉक्टर कृष्ण मुरारी, पीआरओ डॉक्टर एसडी झा समेत कई शिक्षक, शोधकर्ता और इतिहासकार मौजूद थे। माहौल में विदाई की जब भी बात होती है, जिनके साथ पूरा शहर पिछले 3 साल से जुड़ा हुआ था और हमेशा एक इनकी लोकप्रियता, हमारे विकास वैभव जी इनकी लोकप्रियता, आप सभी इनकी लोकप्रियता से वाकिफ हैं। जहां तक मैं जान पाया हूं इनको, कि कभी भी कोई व्यक्ति जब भी इनसे मिलने के लिए गया है तो सभी का इन्होंने सुना है और सभी की समस्याओं का तो निवारण भी किया है।
ऐसे कम लोग पुलिस प्रशासन में होते हैं जो जनता के बीच अपने समय को देकर उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं। वहीं विक्रमशिला मीडिया ग्रुप की ओर से भागलपुर रेंज डीआईजी विकास वैभव का कहलगांव के बटेश्वर स्थान में स्वागत किया गया। इसके बाद डीआईजी ने पहले बटेश्वर स्थान में बाबा भोलेनाथ की पूजा की और दो पेड़ लगाए। मौके पर डीआईजी ने कहा कि विक्रमशिला, बरारी की गुफा और सुल्तानगंज पर उन्होंने काफ़ी लंबा रिसर्च किया है, जल्द ही शोध परिणाम सबों के सामने होगा। मौके पर कहलगांव SDPO डॉक्टर ऋषु कृष्ण समेत कई अधिकारी और पत्रकार मौजूद थे। सरकार की महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन हरियाली को लेकर शनिवार को DRDA सभागार में बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने की। इस दौरान बैठक में जिले के सभी वरीय अधिकारी मौजूद थे। DM ने जल जीवन हरियाली को लेकर अतिक्रमण किए गए तालाब, पैन एवं विभिन्न जल स्रोतों को अविलंब अतिक्रमण मुक्त कराने का निर्देश संबंधित विभाग के अधिकारियों को दिया। DM ने कहा कि 19 जनवरी को जल जीवन हरियाली के लिए मानव श्रृंखला का निर्माण किया जाएगा। DM ने सभी विभागों को तैयारी में जुट जाने का निर्देश दिया है। मौके पर DDC सुनील कुमार, DPRO बिंदुसार मंडल सहित SDO, BDO और CO मौजूद थे। तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के सिंडिकेट हॉल में शनिवार को अभिषद की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता विश्वविद्यालय के प्रभारी कुलपति प्रोफेसर अवध किशोर राय ने की। TMBU के सभागार में आयोजित बैठक में आधा दर्जन से अधिक बिंदुओं पर चर्चा हुई और वित्तीय वर्ष 2020-21 के अनुमानित बजट पारित करने पर विचार किया गया। बैठक में सितंबर माह में हुए सिंडिकेट की बैठक में लिए गए निर्णय पर भी सदस्यों ने अपनी बात रखी। बैठक के दौरान वार्षिक प्रतिवेदन के अनुमोदन, अनुशंसित असिस्टेंट प्रोफेसरों की नियुक्ति से जुड़ी अधिसूचना, सप्तम वेतन, पुरानीक्षण आदि पर चर्चा की गई। PRO डॉक्टर SD झा ने बताया कि बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया। साथ ही 20 फरवरी को सिंडिकेट की बैठक होगी और एक 14 फरवरी को सीनेट की बैठक बुलाई जाएगी। वहीं सातवें पे फिक्सेशन में गड़बड़ी की शिकायत दूर करने के लिए शिक्षक और कर्मचारी 3 दिनों के भीतर FO कार्यालय में आवेदन दे सकते हैं। सिंडिकेट में सर्विस कमीशन से आए राजनीति विज्ञान, इतिहास और हिंदी विषय के शिक्षकों को अनुमोदित किया गया। साथ ही लियन पर रहने वालों पर नियमानुसार कार्यवाही की मुहर लगी। सिंडिकेट ने अतिथि शिक्षकों को मेरिट पैनल के अनुसार 15 दिनों के भीतर हटाए जाने की मंजूरी दी। बैठक में प्रतिकुलपति प्रोफेसर राम यतिन प्रसाद, रजिस्ट्रार कर्नल अरुण कुमार सिंह, DSW डॉक्टर योगेंद्र महतो, प्रोक्टर प्रोफेसर विलक्षण रविदास, FO FS समेत कई अधिकारी और सिंडिकेट सदस्य मौजूद थे। पुलिस जिला नवगछिया के भवानीपुर थाना क्षेत्र भगवान पेट्रोल पंप के समीप शनिवार की सुबह एक ट्रक में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और ट्रक धू धू कर जलने लगी। इस दौरान काफी संख्या में लोगों की भीड़ मौके पर उमड़ पड़ी। वहीं घटना की सूचना मिलते ही भवानीपुर थाना अध्यक्ष और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि चलते हुए ट्रक में अचानक आग पकड़ लिया। मायागंज अस्पताल के ENT विभाग में शनिवार को नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल कोलकाता की ओर से एक दिवसीय निःशुल्क ओरल हेड एंड नेक कैंसर स्क्रीनिंग कैंप लगाया गया, जिसका नेतृत्व डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद सिंह ने किया। SP सिंह ने बताया कि कैंप में सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक लगभग 200 मरीजों की जांच हुई, जिसमें करीब 20 से 25 मरीज को मुंह का कैंसर होने की आशंका है। साथ ही वैसे मरीज जिनको एंडोस्कोपी की जरूरत थी उनके लिए भी सुविधाएं मुहैया कराई गई। डॉक्टरों की टीम में डॉक्टर हर्ष, डॉक्टर विनोद कुमार, डॉक्टर रिचा, डॉक्टर सवा अख्तर, डॉक्टर महेश कुमार, डॉक्टर सनातन शामिल रहे। बता दें कि ENT हेल्थ कैंप के दौरान डॉक्टरों ने कहा कि जीवन अनमोल है, मुंह में यदि छाले हो या गर्दन में किसी प्रकार का गांठ हो तो ऐसे में लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। ENT विभाग द्वारा आज कैंसर डिटेक्शन के लिए कैंप आयोजित किया गया है। नारायण हॉस्पिटल से भी डॉक्टर आए हुए हैं तो मेंटल की यहाँ जाँच करेंगे, डेंटल की आईडी से भी है जो आज पेशेंट को देख रहे हैं, इसमें जो जिसका भी डिटेक्शन होगा कैंसर होने की संभावना रहेगी, इससे जाँच और सुविधा की व्यवस्था इलाज की व्यवस्था बाद में किया। और आज बहुत खुश हूँ भागलपुर आकर। हम लोग इससे पहले भी भागलपुर AOI एसोसिएशन और IDA के साथ मिलकर हमने स्क्रीनिंग कैंप किया है। ये बेसिकली हेड एंड नेक स्क्रीनिंग कैंप है, मुंह के कैंसर, थ्रोट के कैंसर, इन सब के कैंसर के लिए स्क्रीनिंग बहुत ज़रूरी है हमारे देश में, तो इसी के लिए आज आए हैं। आज हमारे डिपार्टमेंट सुबीर साहब के आदेश से हमने नारायणा हॉस्पिटल के सहयोग से एक हेड एंड नेक कैंसर डिटेक्शन कैंप का आयोजन किया है। इस कैंप में मैंने हर तरह से प्रचार भी कराया, ये लोग भी काफ़ी प्रचार किए हैं, ये काफ़ी संख्या में यहाँ लोग अभी एकत्रित हुए हैं, लगता है 100-150 से ऊपर आ चुके हैं लोग। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
जी हाँ, अब आपके शहर भागलपुर में विश्व स्तरीय पढ़ाई की सुविधा पहली बार। जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल, सीबीएसई करिकुलम, नर्सरी से 7th तक की पढ़ाई, सेंट्रलाइज्ड एयर कंडीशन कैंपस, एसी बस विथ जीपीएस एंड सीसीटीवी, चाहे आवासीय हो या डे स्कॉलर, बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए पढ़ाई के साथ साथ योग, खेल, कला और ई लाइब्रेरी भी। हमारा पता है जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल, जीछो बिशनपुर भागलपुर। कॉन्टेक्ट नंबर 7672800010। एडमिशन इज गोइंग ऑन। कैंसर से डरे नहीं, कैंसर से संघर्ष करें और साहस रखें। सही समय और सही जगह पर इलाज करवाने से आप इस संघर्ष में हमेशा आगे रहेंगे। और इस संघर्ष में आपके साथ है भारत विख्यात हॉस्पिटल समूह नारायणा हेल्थ। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें 9199446571। याद रहे 9199446571। नारायणा हेल्थ। शानदार बैंक्वेट हॉल में भव्य शादी का आनंद लीजिए अब अपने शहर भागलपुर में। शहर के हृदय स्थल तिलकामांझी चौक पर स्थित मान्यवर बैंक्वेट हॉल अब आपकी सेवा में सदैव तत्पर। 23,000 वर्ग फीट में फैला मान्यवर बैंक्वेट हर तरह की आधुनिक साज सज्जा एवं सेंट्रली एयर कंडीशन के साथ शादी, रिसेप्शन, पार्टी एवं अनेक आयोजनों में 4 चांद लगाने को तैयार। शानदार वेन्यू एवं लाजवाब गेस्ट हाउस बिहार झारखंड का इकलौता स्मार्ट बैंक्वेट हॉल आपके शहर भागलपुर में अब आपके लिए। मान्यवर बैंक्वेट हॉल, खुशियां बांटें अपनों के साथ। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में हमेशा विवादों में रही लॉ की परीक्षा इस बार शांतिपूर्ण चल रही है। शनिवार को विश्वविद्यालय के बहुउद्देशीय प्रसाल में 3 और 5 वर्षीय LLB की परीक्षा छात्र छात्राओं ने कड़ी निगरानी के बीच दी। परीक्षा केंद्र के बाहर और अंदर केंद्राधीक्षक प्रोफेसर अर्चना कुमारी शाह समेत 3 सहायक केंद्राधीक्षक डॉक्टर मनोज कुमार, डॉक्टर राजीव कुमार सिन्हा और डॉक्टर केपी सिंह नकलचियों पर सख्त नजर रखे हुए थे। वहीं ऑब्जर्वर डॉक्टर केसकर ठाकुर छात्रों को नकल या ताक झांक नहीं करने की हिदायत दे रहे थे। हम आपको बता दें कि लॉ परीक्षा के दौरान पिछले सत्र में हंगामा कर रहे छात्रों पर पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा था। इसके बाद लॉ परीक्षा को लेकर विश्वविद्यालय में छात्रों ने जमकर हंगामा किया था। वहीं पिछले वर्ष केंद्राधीक्षक रहे प्रोफेसर राम प्रवेश सिंह ने इस बार स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए केंद्राधीक्षक बनने से इनकार कर दिया। शनिवार को केंद्राधीक्षक प्रोफेसर अर्चना कुमारी ने कहा कि परीक्षा शांतिपूर्ण चल रही है और कदाचार करने वालों पर शिक्षकों की पैनी नजर है। हाँ, की गई है व्यवस्था, इस पर नहीं, आप अपनी आँखों से देख लें कि व्यवस्था क्या है। और सभी बच्चे अनुशासित हैं और समय पर एग्जामिनेशन शुरू हो चुकी है और सभी अनुशासन। पुलिस जिला नवगछिया 0 माइल के समीप शनिवार की सुबह एक युवक सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे स्थानीय लोगों की मदद से इलाज के लिए अनुमंडल अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। जानकारी के अनुसार वाहन सवार युवक मधेपुरा से भागलपुर आ रहा था। इसी दौरान 0 माइल चौक के समीप तेज रफ्तार ट्रक से बचने के क्रम में सड़क की दूसरी ओर गिर गया, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं मौके पर काफी संख्या में राहगीरों की भीड़ उमड़ गई, जिसके बाद पुलिस एवं राहगीरों की मदद से घायल युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। जिले में अपराध नियंत्रण एवं विधि व्यवस्था को लेकर शनिवार को पुलिस केंद्र से फ्लैग मार्च निकाला गया। CTDSP राजवंत सिंह के नेतृत्व में निकाले गए फ्लैग मार्च में बाइक सवार पुलिस कर्मियों ने शहर के विभिन्न थाना क्षेत्र का भ्रमण किया और आम लोगों से किसी भी प्रकार की घटना की सूचना अविलंब पुलिस को देने की बात कही। आपदा विभाग की ओर से शनिवार को जगदीशपुर अंचल कार्यालय में भूकंप रोधी भवन निर्माण प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ किया गया। 7 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में पटना से आए ट्रेनर कासिम वारसी एवं मास्टर ट्रेनर उदय कुमार ने राजमिस्त्रियों को भूकंप रोधी भवन निर्माण की तकनीकी जानकारी दी। मास्टर ट्रेनर ने बताया कि भूकंप के हल्के झटके आने पर मकान धराशायी हो जाता है। इसको लेकर पूरे बिहार में कार्यशाला के माध्यम से राजमिस्त्रियों को भूकंप रोधी मकान निर्माण का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस मौके पर पर्यवेक्षक शिवशंकर प्रसाद, गोवर्धन गौरव सहित काफी संख्या में राजमिस्त्री मौजूद थे। खास करके देखिए, भूकंप से हुआ हानि, चक्रवात तूफान से हानि होता है, वर्षा से, बरसात के दिन में अधिक बाढ़ के पानी आ जाने से हानि होती है। हर विषय पर हम राजमिस्त्रियों को थोड़ा थोड़ा जानकारी देते हैं कि जैसे कि अब चक्रवाती तूफान में
जो मकान है उसका छत उड़ता है और ख़ास करके जो खपरैल मकान है इसमें सीट का है वो उड़ता है, तो उसके बंधन को हम किस तरह से बांधे पर्लिन में और बटन में कि जिससे कि वो उड़े नहीं। भागलपुर के जगदीशपुर प्रखंड परिसर में शनिवार को 8 सूत्री मांगों को लेकर जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों ने जमकर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शन कर रहे डीलरों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और मांग पूरी नहीं होने तक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहने की बात कही। डीलरों ने प्रत्येक माह 30,000 रुपए मानदेय, केरोसिन पर 3 रुपया प्रति लीटर कमीशन, अनुकंपा और राजकर्मियों की तरह सभी सुविधा देने की मांग सरकार से की है। डीलर को 30,000 प्रत्येक महीना मानदेय दिया जाए और एक जो चावल गेहूँ का जो है कमीशन 3 रुपया प्रति किलो के हिसाब से दिया जाए। हम लोगों का मांग है कि सबका, जब तक हम लोग का मांग पूरी नहीं होता है तब तक हम लोग धरना पर बैठे रहेंगे। नवगछिया SDPO परवेंद्र भारती के निर्देश पर 8 दिसंबर को रंगरा CO और पुलिस के द्वारा 60 ओवरलोड ट्रकों को जब्त किया गया था, लेकिन CO के द्वारा जब्त वाहनों से मोटी रकम लेकर बिना फाइन सभी जब्त ट्रकों को छोड़ दिया गया, जिससे सरकार को राजस्व की काफी क्षति हुई। इसी को लेकर शनिवार को 33 जिलोमाइल चौक पर भागलपुर नवगछिया ट्रक ऑनर वर्क्स एसोसिएशन की ओर से धरना दिया गया। एसोसिएशन के अध्यक्ष दीप नारायण सिंह ने कहा कि ओवरलोड गाड़ियों के परिचालन पर रोक लगाने के नाम पर भ्रष्ट अधिकारियों के द्वारा मोटी रकम लेकर गाड़ियों को छोड़ दिया जाता है। उन्होंने जिला प्रशासन एवं नवगछिया SP निधि रानी को आवेदन देकर कार्यवाही की मांग की है। मौके पर DN सिंह, लाल बाबू सिंह, बबलू मंडल, राजेश यादव सहित कई लोग मौजूद थे। देखिए, आज का जो धरना है इसका मुख्य उद्देश्य हम लोग का दो मांग है। एक मांग है कि रगड़ा के थाना प्रभारी और रगड़ा के अंचलाधिकारी के द्वारा यह नवगछिया के SDO के आदेश पर गाड़ी पकड़ा गया था। हम लोग यूनियन वाले सहयोग किए थे, जब गाड़ी पकड़ा गया तो उसका वीडियो बनाया है और इन्होंने रात भर नहीं 4 घंटा में टोटल गाड़ी को 40,000, 20,000, 30,000 रुपया लेकर छोड़ दिया और नवगछिया SDO को जो सीजन लिस्ट दिया गया उससे भी 2 गाड़ी इन्होंने हटा दिया, 12 गाड़ी का लिस्ट दिया, 10 गाड़ी का फाइन हुआ। भागलपुर नाथनगर रामनंदी देवी हिंदू अनाथालय में बच्चों को सलमान अनवर द्वारा निर्देशित मोची के अरमान और मिथिलेश कुमार द्वारा निर्देशित ट्रस्ट अ टीस ऑफ वाटर दिखाई गई। गरीबी पर आधारित फिल्म मोची के अरमान और जल संरक्षण पर आधारित फिल्म ट्रस्ट अ टीस ऑफ वाटर देश के वर्तमान परिदृश्य को प्रदर्शित करती फिल्म का बच्चों ने भरपूर आनंद लिया। मोची के अरमान फिल्म में बाल कलाकार की भूमिका में मोहम्मद अरमान थे। मौके पर संस्था के सचिव समन्वय कुमारी अनुश्री, दीपराज, अपूर्व सहित काफी संख्या में लोग मौजूद थे। आज हमारे रामानंदी देवी हिंदू अनाथालय में बच्चों को सलमान अनवर जी प्रोडक्शन के द्वारा 2 मूवी दिखाई गई, जिसमें पहली मूवी जो है पानी के बारे में बताया गया कि जल जो है हमारे जीवन में कितना अमूल्य है, उसको हम लोग व्यर्थ ही ना करें और उसका जो है हम लोग बचाव घर से ही शुरुआत अगर करेंगे तो वो हमारे जीवन आगे चल करके जो हमारी आगे की पीढ़ी है उनके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। दूसरी बात, पानी बर्बाद जबर नहीं करना चाहिए, उसको नल को खुला में नहीं छोड़ना चाहिए, नल को बंद कर देना चाहिए, क्या यही पानी जल जीवन है। एक दूसरे को सीखने का मौका मिला और जो लड़के हमारे एक्टर किए थे काम बहुत ईमानदारी के साथ बढ़िया काम किए, ईमानदारी किए तो दूसरा भी इनको मदद किया। आज हिंदू अनाथालय में जो मूवी दिखाई गई सलमान अनवर फिल्म्स के बैनर तले, ये जो एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री मूवीज़ है ये सलमान अनवर साहब बहुत अच्छी बनाते हैं और ये बच्चों ने भी बहुत एंजॉय किया और ये भागलपुर में ही शूट करके यहाँ के जो लोकल मुद्दे होते हैं उन पर ये मूवीज़ बनाते हैं और मैं रिसेंटली इनके संपर्क में भी आया और मुझे बहुत इंस्पायर भी किया इन्होंने और बिल्कुल लाइवली मूवीज़ ये बनाते हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे भी ये इस तरह के मूवीज़ बनाएँ और इसी तरह से जगह जगह पर लोगों को ये प्रदर्शित करें। अच्छा लग रहा था, बच्चे लोग मस्ती कर रहे थे, बहुत ही अच्छे से देख रहे थे और उन्हें भी ये फिल्म का कहानी बहुत ही अच्छा लगा और मुझे भी खुशी हुई, वो लोग को खुशी होते हुए। इसके हमसे हमको यही सीख मिलती है कि पानी बर्बाद नहीं करनी चाहिए और एक गरीबी पे जो दिखाया गया उसमें हमारे जो भी बच्चे हैं सबको स्कूल रोज जाना चाहिए ताकि गरीबी इस तरह पढ़ाई से दूर ना हो। जब हम लोग पढ़ाई करेंगे तभी गरीबी दूर होगी। पाकिस्तान के ननकाना में गुरुद्वारे पर हुए हमले एवं गुरुद्वारे का नाम मिटाए जाने के खिलाफ शनिवार को पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान का पुतला फूंका गया।
भाजपा जिलाध्यक्ष रोहित पांडे के नेतृत्व में खलीफाबाग चौक के समीप कार्यकर्ताओं ने जुलूस निकालकर प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मौके पर काफी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थे। भागलपुर के चंपानगर स्थित संतमत सत्संग आश्रम के संत तेतरदास जी महाराज के दूसरे महापरिनिर्वाण दिवस पर नाथनगर मनस्कामना नाथ मंदिर परिसर में आयोजित दो दिवसीय सत्संग का शनिवार को समापन हो गया। इस दौरान महर्षि मेही आश्रम के स्वामी सत्य प्रकाश जी महाराज ने भक्ति प्रसंग पर प्रवचन किया। दीपक बाबा ने कहा कि राम के चरणों में रहने से समस्त पापों का नाश होता है। वहीं प्रवचन श्रवण करने काफी संख्या में श्रद्धालु मौजूद थे। मौके पर अनिल रजक, लक्ष्मी नारायण, संजीव कुमार, गिरधारी दास, रामदेव दास सहित काफी संख्या में भक्तगण मौजूद थे। और अंत में चलते चलते नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। काली पूजा समिति के महामंत्री धूरी यादव हत्याकांड का शार्प शूटर गिरफ्तार, SSP आशीष भारती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। समारोह पूर्वक रेंज DIG विकास वैभव को दी गई विदाई, बधाई देने वालों का लगा तांता, बटेश्वर स्थान में की बाबा भोलेनाथ की पूजा। जल जीवन हरियाली को लेकर DRDA सभागार में हुई बैठक, DM ने सभी विभाग के अधिकारियों को दिया आवश्यक दिशा निर्देश। प्रभारी कुलपति की अध्यक्षता में सिंडिकेट की हुई बैठक, सप्तम वेतनमान समेत कई बिंदुओं पर हुई चर्चा। और पुलिस जिला नवगछिया में पेट्रोल पंप के समीप ट्रक में लगी भीषण आग। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।